बचपन में सभी का सपना होता है एस्ट्रोलॉजर बनने का। अबे वो एस्ट्रोनॉट होता है। जो भी होता है पर हमारा सपना होता है। पर ये जो फोन है Realme X3 Super Zoom, इससे आप अपना ये जो सपना है इसको पूरा कर सकते हो, पर लाइट वर्जन में। अब आप सोचोगे लाइट वर्जन में कैसा पूरा होगा, मतलब धरती पे बैठे बैठे फील ले सकते हो गैलेक्सी वाले के ऊपर आपका पीके दोस्त क्या कर रहा है और उसका गोला कौन सा, मतलब सब कुछ ऐसे पता लगा सकते हो। बस आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहना और आपको इसी फोन के बारे में बताऊंगा कि क्या स्पेसिफिकेशन है इस फोन की, किस प्राइस पर आएगा और इंडिया के अंदर ये कब तक आपको मिल सकता है। हेलो गाइस, मेरा नाम है केशव। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको Realme X3 Super Zoom के बारे में बताने वाला हूँ। इस फोन में मतलब आपको जूम, इतना ज्यादा जूम मिल जाता है, मतलब आप जूम करते रहो और आप अपने नए दोस्त बना सकते हो इस दुनिया के बाहर गए। आप जैसे जूम कर करके गैलेक्सी देख सकते हो, दूसरी गैलेक्सी, अपनी मिल्की वे गैलेक्सी देख सकते हो, मिल्की बार खा सकते हो और मतलब कुछ भी कर सकते हो आप। सो गाइस, आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को अपने फ्रेंड के शेयर भी कर लेना एंड मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर लेना। करते हैं वीडियो को जल्दी से स्टार्ट। शुरुआत करते हैं Realme X3 Super Zoom के डिस्प्ले एंड डिजाइन से। तो यहाँ पर आपको 6.6 इंचेस की फुल HD प्लस की IPS LCD पैनल मिल जाएगा, बट यहाँ पर आपको जो रिफ्रेश रेट मिलता है 120 हर्ट्ज का मिलता है। जैसा आपको पता होगा Realme की जो X सीरीज है वो हमेशा AMOLED डिस्प्ले देती आई है, बट इस बार उन्होंने तख्ता पलट दिया एकदम से और उन्होंने IPS डिस्प्ले दे दी, बट यहाँ पर आपको रिफ्रेश रेट काफी अच्छा मिल रहा है 120 हर्ट्ज का। यहाँ पर आपको जो बैक मिलेगी ग्लास की मिल जाएगी और फ्रंट तो ग्लास की होती होती है। एंड जो आपको डिस्प्ले के अंदर यहाँ पर डुअल पंच होल मिल जाएंगे एंड बैक साइड के अंदर आपको क्वाड रियर कैमरा मिल रहा है। कैमरा भाई काफी कैड है इस फोन में, मतलब कैमरे के लिए कोई फोन देख रहे हो तो भाई इस फोन की तरफ जा सकते हो, काफी अच्छे कैमरे। और आगे आप वीडियो देखते रहो क्या क्या है कैमरे के अंदर और भी बाकी सारी क्या चीजें बताता हूँ। तो चलते हैं कैमरा डिपार्टमेंट में। बैक साइड के अंदर आपको क्वाड रियर कैमरा मिल जाए 64 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल टेलीफोटो लेंस, जहाँ पर आप 5x ऑप्टिकल जूम कर सकते हो एंड 60x डिजिटल जूम कर सकते हो। यानी कि जूम तो आपको भाई भरमार जूम दे रखा है, बट आपको एक सीक्रेट चीज बताना चाहता हूँ, ऐसे ध्यान से सुनना काफी काम आएगी। अगर आप लोग ऐसे सिंगल लोग हो, जाकिर भाई की तरह ऐसे सख्त लोंडे, आप पिघलते नहीं हो, तब ये फोन आप लोगों के लिए। आप सोचोगे ऐसे क्या भाई हमारे लिए, मतलब कैसे होगा ये फोन। तो इस फोन की भाई जो खास बात मुझे लगती है वो है, मतलब इसके अंदर आप जूम बहुत ज्यादा कर सकते हो। और आप जब स्कूटी पर 3-4 लोंडे बैठ के घूमते हो तब आपको हमेशा टेंशन रहती है आगे पुलिस वाला है या नहीं, तो आप इससे मतलब जूम से ऐसे देख सकते हो कि भाई आगे कौन से चौराहे पर पुलिस खड़ी है या नहीं खड़ी, तो ये आपके काम आ सकता है। बट अगर आप लोग ऐसे मिंगल लोग भी हो तब भी आपके काम आएगा। अब आप सोचोगे आपके कैसे काम आएगा ये फोन, तो ऐसे कि आप अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो तो आप अपने घर की छत से उसको अपने घर की छत पर बुला सकते हो और इस फोन से देख सकते हो, क्योंकि इसके अंदर भाई जूम ऐसा दे रखा है कि मतलब जूम कर सकते हो आप, बहुत दूर तक जूम कर सकते हो, अपने एरिया से बाहर तक जूम कर सकते हो, इतना जूम दे रखा है इसमें। हाँ, तो मैं आपको कैमरे के बारे में बताते हैं। जो इसका थर्ड कैमरा है वो आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड मिल जाएगा एंड यहाँ पर आपको 2 मेगापिक्सल का लेंस मिल जाएगा मैक्रो शॉट के लिए। अब ये नाम का दे रखा है 2 मेगापिक्सल का, क्यों दिया, इससे बढ़िया तो कुछ डेप्थ सेंसिंग के लिए दे देते हैं वो ज्यादा बढ़िया रहता। यहाँ पर आप 4K रिकॉर्डिंग कर सकते हो 60fps पर एंड सेल्फी की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको 32 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल की मिल जाएगी। 8 मेगापिक्सल का आपको अल्ट्रा वाइड का लेंस मिलेगा जो कि काफी सही चीज है, ऐसे मतलब आपका वाइड एंगल बढ़ा देगा, ऐसे आप ज्यादा एरिया कवर कर पाओगे। पूरी वीडियो ऐसे ही देखोगे क्या, सब्सक्राइब करो एंड मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो भी। बाकी इस फोन की ना एक चीज और मेरे को काफी अच्छी लगी है, ऐसे आप डायरेक्ट एलियन से बात कर सकते हो। अब आपको उस कंप्यूटर की जरूरत नहीं है जिसमें आपने देखा था तो उस चीज की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, अब आप इस फोन से ऐसे एलियन से बात कर पाओगे, क्योंकि जूम तो भाई ऐसे भर भर के जूम दे रखा है इस फोन के अंदर कि आप जूम कर सकते हो, मतलब जिंदगी जूम हो जाएगी आपकी। तो चलते हैं प्रोसेसर डिपार्टमेंट में। इधर आपको स्नैपड्रैगन का 855 प्लस का प्रोसेसर मिल जाएगा जो कि पिछले साल का फ्लैगशिप प्रोसेसर है, ऐसे गेमिंग वगैरह भी काफी कैडी रहने वाली है। 7 MM का प्रोसेसर है, एड्रिनो का 640 का आपको GPU मिल जाता है, ऑक्टा कोर का प्रोसेसर है, तो प्रोसेसर में भाई ऐसे कोई दिक्कत नहीं, गेमिंग वगैरह फुल दबा के चलने वाली है, आने वाले 1-2 साल की भी गेमिंग काफी अच्छी चल जाएगी इस फोन के अंदर, तो कोई दिक्कत नहीं है प्रोसेसर की। तो चलते हैं बैटरी डिपार्टमेंट में। इधर आपको 4200mAh की बैटरी मिल जाएगी एंड 30W की फास्ट चार्जिंग मिल जाएगी। 30W की भाई काफी सही चार्जिंग दे रखी है, ये फोन की बैटरी पे काफी सही है एंड जो चार्ज हो जाएगी काफी जल्दी से हो जाएगी। टाइप सी का पोर्ट तो दे ही रखा है इस फोन के अंदर आपको। बट अब इधर आपको मैं सच्चाई बताता हूँ इस फोन की, इस फोन के अंदर काफी सारी चीजें दे रखी है और काफी सारी चीजें नहीं दे रखी। जैसा कि बोला गया इस फोन को कैमरा सेंट्रिक फोन है, ऐसे मतलब कैमरा पे ज्यादा फोकस है, बट लेकिन यहाँ पर आपको OIS नहीं दे रखा, तो इससे मतलब आपकी जो वीडियो वगैरह जो या फोटो वगैरह भी आप लोगे तो उसमें थोड़ा आपको शेकीनेस मिल सकती है। यहाँ पर EIS तो है बट भाई OIS नहीं दे रखा, OIS होता तो काफी अच्छा रहता। यहाँ पर आपको कोई भी मेमोरी कार्ड के लिए स्लॉट वगैरह नहीं मिलेगा,
था एंड 3.5mm का जैक भी नहीं है। तो ऐसे गेमिंग में आपको थोड़ा डिले मिल सकता है, जो आप ब्लूटूथ वाले हेडफोन यूज करोगे तो आपको थोड़ा डिले वगैरह मिल सकता है, तो ये थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। बट काफी सारी चीजें अच्छी भी है तो आपको बताता हूँ। जैसे साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाएगा, गोरिल्ला ग्लास 5 की आपको फ्रंट बैक में प्रोटेक्शन मिल जाएगी, सारे सेंसर वगैरह मिल जाते हैं, एंड्रॉइड 10 मिल जाएगा एंड रियलमी यूआई भी मिल जाएगा, कोई दिक्कत वगैरह नहीं है इन सारी चीजों के अंदर। यहाँ पर आपको UFS 3.1 का स्टोरेज टाइप मिल जाएगा, LPDDR4X आपको रैम टाइप मिल जाएगी। अगर बाहर लॉन्च होने की बात करते हैं, यूरोप के अंदर ये लॉन्च हुआ 12GB की रैम एंड 256GB की रोम के साथ, जिसका प्राइस आपको अगर कन्वर्ट करते हैं 41,000 के अराउंड आता है। बट भाई इंडिया में इस प्राइस पे बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि यूरोप का प्राइस जो होता है हमेशा हाई होता है। जब इंडिया में आएगा तो ये फोन काफी सस्ता होगा और होना भी चाहिए, अगर नहीं हुआ तो भाई कोई लेगा भी नहीं इस फोन को। सही बात है भाई, क्यों लेंगे, मतलब 41,000 में जूम करने के लिए देंगे, नहीं लेंगे हम बिल्कुल भी। अब बात करते हैं इंडिया में कब तक मिलेगा, तो जून तक आपको इंडिया के अंदर मिल सकता है। एंड इसके प्राइस की बात करते हैं 23,000 के अराउंड इसका प्राइस आना चाहिए, हम एक्सपेक्ट करते हैं, और मैक्सिमम टू मैक्सिमम 25,000 तक इसको जाना चाहिए। मतलब बस इतना ही यार, 25 से ऊपर जाएगा तो इतना कुछ मजेदार सा फोन नहीं रहेगा फिर ये। बाकी मैंने एक वीडियो Redmi 10X पर बना रखी है भाई, आपको अगर पता नहीं हो तो कुछ आपको ऐसे हाइलाइटिंग पार्ट बता देता हूँ Redmi 10X के। वो आपको 5G फोन मिल जाता है, AMOLED डिस्प्ले मिल जाएगी, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाएगा, बस इतना ही बताऊंगा, बाकी नहीं बताऊंगा। तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वाली वीडियो भी देख लेना, काफी काम की है भाई। और उस फोन का जो प्राइस रहेगा वो अंडर 20 के रहेगा, तो आप सोच सकते हो भाई काफी कैड़ा फोन रहने वाला है। उधर आपको Dimensity 820 का प्रोसेसर मिलेगा, जो कि 5G है, मैंने बता ही दिया, तो भाई काफी कैड़ा है। मतलब आप उस वीडियो को भी देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अब आपकी मर्जी, आपको इस फोन के लिए रुकना है या उस वाले फोन के लिए रुकना है। बाकी भाई मैं होता ना तो वो एक पैकेज फोन ज्यादा अच्छा है, ये इतना कुछ पैकेज फोन नहीं है। इसके अंदर कैमरे पे ज्यादा ध्यान दिया गया पर OIS नहीं दिया, जो कि मेरे को काफी बुरा लग रहा है कि OIS तो देना ही चाहिए था फोन के अंदर। बट भाई जो भी सीन है, आपकी मर्जी है कि आपको ये फोन लेना है नहीं। बाकी अगर आपको कैमरा के लिए फोन चाहिए तो आप इस फोन की तरफ जा सकते हैं, जैसे जूम वगैरह करने के लिए फोन चाहिए तो आप जा सकते हो इस फोन की, और वरना आप लोग ऐसे Redmi 10X वगैरह और भी काफी सारे फोन है उनकी तरफ जा सकते हो। सो गाइस, आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को अपने फ्रेंड के शेयर भी कर लो, एंड मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।